अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं ताहिर रमज़ान और ओपन सोर्स लिटरेट पाकिस्तान के 10वें सेशन में खुश आमदीद। आज हम दोबारा बात करेंगे गूगल हैश कोड के बारे में। मेरे एक दोस्त हैं जुनेद नाम है उनका, वो सुबह सुबह कह रहे थे कि 4 टेराबाइट मेमोरी या स्टोरेज चाहिए, ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है गूगल हैश कोड की इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये तो कैसे होगी। मैंने कहा ऐसा बात नहीं है, ठीक है, ये काफ़ी इजी है, काफ़ी बहुत आधे घंटे का काम है सारा, ठीक है, या मैक्सिमम 1 आवर का। तो फिर मैंने कहा मैं खुद भी देख लूँ वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्या है, तो उसे करूँ कि बाकी उसे 4 टेराबाइट रैम चाहिए या 4 MB में भी हो सकता है। तो वो डेफिनेटली ऐसी प्रॉब्लम है जो आप PC पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल इजी सी प्रॉब्लम है। तो वो मैंने की है आज, तो आपसे वो शेयर करता हूँ। और मैं आपको फिर आज इनक्रेज करता हूँ कि आप हैश कोड में हिस्सा लें, एज ए टीम हिस्सा लें। आपकी टीम में 2 से 4 स्टूडेंट हो सकते हैं या प्रोफेशनल हो सकते हैं, और अगर आप यूनिवर्सिटी में या वर्क स्पेस में आप ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं तो वो भी लाजमी करवाएँ, ठीक है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी, आपका कनेक्शंस में भी इजाफा होगा और डेफिनेटली हमारे मुल्क का नाम भी किसी लेवल पे लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम शेड्यूल बात कर लेते हैं दोबारा से कि हैश कोड है क्या। हैश कोड हर बंदे के लिए, बेशक वो प्रोफेशनल है या स्टूडेंट है, गूगल की तरफ से एक ऐसा कंपटीशन है कि जहाँ हम अपने आप को मनवा सकते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ कर ले करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोफेशनल भी आ सकते हैं और स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, और इसमें हब्स होते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, वर्क स्पेसिस में, ठीक है, ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। पहले ये यूरोप में होता था, लास्ट ईयर से पाकिस्तान और इंडिया में भी होता है, ठीक है। इस साल पाकिस्तान में भी काफ़ी टीम्स हैं, 10 से ज़्यादा टीम हब्स हैं, टीम्स तो इससे भी ज़्यादा हैं। तो आप हब भी रजिस्टर करा सकते हैं और टीम भी रजिस्टर करा सकते हैं, और अगर आप जीत जाएंगे तो गूगल के खर्चे पे आप जाएंगे गूगल हेडक्वार्टर। तो शेड्यूल आप इधर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये जज सिस्टम है, जज सिस्टम में मैं अपना, आप इधर से प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख सकते हैं, और ये जज सिस्टम है हमारा, ठीक है। और अब हमें कोई अभी तक है नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल टीम का हिस्सा हूँ मैं, तो हब किधर से आया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें डाटा सेट दिया गया, फ्रेंडली सी है, मज़े की है, पिज़्ज़ा के स्लाइसिस को कुछ करना था कि ज़्यादा से ज़्यादा पिज़्ज़ा स्लाइसिस मतलब मिले हमें, तो मेरे ख्याल में करोड़ों या अरबों में थे। और ये डाटा सेट्स थे साथ, एग्जाम्पल स्मार्ट मीडियम वाइट बिग आल्सो बिग, सबमिशन कर सकते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम की, मैंने की थी, ये देखें क्या रिजल्ट है, ठीक है, ऑलमोस्ट 100% है ये। इसको सबमिट कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, अपलोड करते हैं इधर से, और ये हमारी फाइल होगी, ठीक है। एग्जांपल फाइल अभी करते हैं आउटपुट से जाके, एग्जांपल फाइल पी एंड सी एंड डी एंड ई, और ये सबमिट करेंगे। ये पहले भी यही वाली सैम वाली फाइल मैंने सबमिट की थी, तो डेफिनेटली मुझे पता सैम रिजल्ट होगा, ठीक है, ये सैम रिजल्ट है, ठीक है। तो ये अब इस को आप गेस करेंगे, ये जो वाली, ये वाली प्रॉब्लम है प्रैक्टिस प्रॉब्लम, सेम टाइप की प्रॉब्लम होगी फाइनल में, ठीक है, जो एक्चुअल राउंड होगा। तो इसको कितना टाइम लगा होगा, कितनी लाइंस है, 57 लाइंस ऑफ कोड है ये जस्ट, ये देखिए मैं रन करता हूँ। ये पाइथन में मैंने लिखा है, पाइथन मुझे बहुत पसंद है, तो पाइथन में मैंने फ़ौरन से लिख दिया, 40 लाइन का कोड था, ठीक है। इसको हम अगर ऐसे रन करें तो ये, ठीक है, ये आ गया। ये इनपुट फाइल्स थी वो मैंने डाउनलोड की थी उधर से डाटा सेट्स, और प्रोग्राम करके आउटपुट निकाला है। इनमें से मैं आपको ये वाली फाइल चेक करा देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली ये मैक्सिमम वैल्यू थी, ये 4 हमारे पास ऑप्शंस थे और ये ऑप्शंस की वैल्यू थी, ठीक है। और अगर इसका आउटपुट क्या था, इसका 3 हमने किए हैं, और ये इंडेक्स है बेसिकली ये इस रे का, 3 का मतलब इधर 8 है, 6 और जमा दो 16, ठीक है, 16 इधर इंडेक्स का,
और इस तरह इसका भी सेम रिजल्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल अजीब सी एग्जांपल है, ये मैं कोड वैसे मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, वो मैं आपको गिटहब पे भी दिखा देता हूँ कि इधर शेयर किया। ठीक है, इधर से आप जाके कोड देख सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी क्या है जिस वन। और ये ओपन सोर्स है, MIT के लाइसेंस से मैंने इसे रिलीज़ किया है। आप इधर इसे कॉपी कैसे अपनी मर्जी से जो मर्जी एडिट करें इसे। ठीक है, 40 लाइन से भी कम का कोड लिखा मैंने। ठीक है, और ये जज सिस्टम हो गया, और आज के लिए इतना ही। तो ये आपने लाजमी पार्टिसिपेट करना है, आपने पार्टिसिपेट भी करना है, टीम भी बनानी है, और खब भी रजिस्टर करना है। और आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप गूगल हेडक्वार्टर जा सकते हैं। ठीक है, आप अपनी CV पे ये चीज़ें लिख सकते हैं। और अगर कोई भी किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए हो तो बिल्कुल आप कह सकते हैं, उस पर भी वीडियो में बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।